जय हिंद मैडम सर. जय हिंद. वो हम कुछ कहना चाह रहे थे आपसे. हाँ हाँ पूछिए. वो अनुभव भैया को आपको पति बनाने का क्या जरूरत था? हमने उन्हें उन्होंने कहा कि वो हमारे पति बने हैं. और एक सेकंड करिश्मा सिंह, वो हमारे शहर के डीएसपी हैं, हमारे सीनियर हैं, उनके ऑर्डर्स फॉलो करना हमारा फर्ज है. उस सिचुएशन में उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया और हमें जो सही लगा वो हमने किया. इट वॉज नथिंग पर्सनल, हम बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हाथ पकड़ने का क्या जरूरत था? बिना हाथ पकड़े भी तो एक्टिंग हो सकता है ना. आप तो मेथड एक्टिंग कर दिए बिल्कुल. हाँ करिश्मा सिंह, लेकिन हाथ उन्होंने पकड़ा था, हमने नहीं. लेकिन आप छुड़वा भी तो सकती थी हाथ. देखिए उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि हाँ हालात ऐसे थे. सही कह रही हैं आप. जय हिंद मैडम सर. जय. मैडम सर ये उन कपल्स की लिस्ट है जो लखनऊ के ऑलमोस्ट सभी IVF सेंटर्स के चक्कर निकाल चुके हैं या मे बी निकाल रहे हैं. इतनी बड़ी लिस्ट? लगभग 500 कपल्स हैं. एक काम करो, ये जितने भी कपल्स हैं इनमें से ऐसे कपल ढूंढो जो कुछ दिन पहले ही पेरेंट्स बने हो या कुछ दिन पहले ही उनके पास एक बच्चा देखा गया हो. उन सारे कपल्स की एक छोटी लिस्ट बनाओ. उन सब से जाकर पर्सनली मिलिए, अच्छे से इंटरोगेट कीजिए. एक एक के लीगल डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल के पेपर्स या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई भी प्रूफ हो, सब कुछ अच्छे से चेक और क्रॉस चेक करो. देखो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है. पता लगाओ कि ये सारे कपल्स जेन्युइन हैं भी या नहीं. क्योंकि शिखा का बच्चा जिस कपल को बेचा गया है, हो सकता है वो कोई जरूरतमंद कपल हो जो एक बच्चे के लिए डेस्परेट हो. चलिए काम पे लगिए, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा. एक मिनट. एक चीज याद रखिए कि हमारा मकसद फिलहाल एक खोए हुए बच्चे को अपनी माँ से मिलवाना है. हमारा सारा फोकस, हमारी सारी एनर्जी सिर्फ इस मकसद पर होनी चाहिए और किसी चीज पर नहीं. हमने उस माँ से वादा किया है कि हम उसके बच्चे को लौटाएंगे और उसने भी हम पर भरोसा दिखाया है. इसलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, किसी भी शर्त पर हमें उस बच्चे को उस माँ तक दोबारा पहुँचाना है. हमें ये साबित करना है कि ये महिला पुलिस थाना है और यहाँ से कोई नाउम्मीद होकर नहीं जा सकता. क्लियर? जय मैडम सर. पुष्पा जी ये वो लिस्ट है जहाँ अभी अभी न्यू बॉर्न बेबीज पैदा हुए हैं. आप इनको फोन करके इनके बारे में पता कीजिए, तब तक मैं इनके एड्रेसेस निकालती हूँ. ठीक है. हाँ नमस्कार, आपके यहाँ कोई नवजात शिशु है? नहीं है. संतू? हाँ पुष्पा जी. यही तीन माँ बाप मिले हैं जिनके यहाँ नवजात शिशु है. मैडम ये आखिरी कपल है जिसके घर पे दो दिन पहले न्यू बॉर्न बेबी हुआ था. हाँ. इससे पहले जितने भी कपल्स को चेक किया ना सब क्लीन चिट थे. अगर ये भी इनोसेंट निकला तो फिर हम आगे क्या करेंगे? नहीं नहीं संतु, ये केस सॉल्व होकर रहेगा, देख लेना. मैडम ये है मिस्टर पांडे जी. हाँ मिस्टर पांडे जी आप हैं जी. किस सिलसिले में मिलना था आपको? दरअसल रूटीन इंक्वायरी के तौर पे जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज हुए हैं ना तो उनकी प्रामाणिकता जांच रहे हैं हम. उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे हैं ताकि आगे जाके सरकारी आंकड़ों में थोड़ा हेरा फेरी ना हो, सब मतलब चौकस रहे, एकदम अपडेट है ना. तो आपके बच्चे का एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते हैं? जी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं जी. दिखाइए. पर क्या? एक्चुअली जिस बैग में इनके डॉक्यूमेंट्स है वो गुम हो गया है जी. मौसा जी के घर में गए थे तो वहाँ पे कहीं खो गया है जी. वापस से बनाने दिए डॉक्यूमेंट, जैसे ही बन जाएंगे आपको दिखा देंगे ना. जी जी जी, होता रहता है, चीजें क्या खोती रहती है ना. वही तो. हाँ वही, लेकिन एक चीज है, नाम है जो आजीवन आपके साथ रहता है वो कहीं नहीं खोता है ना. तो आपके डॉक्टर का नाम बताइए जिसने आपके बच्चे का डिलीवरी करवाया. आप जानते भी हैं आपने क्या किया है? ऑफ कोर्स आपके चेहरों पर लिखा है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो इलीगल है, गैर कानूनी है. माँ बाप बनने के लिए बहुत से जायज और कानूनन तरीके हैं,
बच्चा खरीदने जैसा गैर कानूनी और गलत काम करने की जरूरत क्या थी? दिल से कह रहे हैं मैम, जो भी हमने किया है उससे हम बेहद शर्मिंदा हैं, लेकिन यकीन मानिए हमने माँ बाप बनने के लालच से ये सब नहीं किया। तो फिर क्यों किया? इस बच्ची के लिए किया। इसकी माँ, जिससे हमने ये बच्ची खरीदी थी, उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और मैं चाहता था कि इसकी परवरिश अच्छे से हो। इसलिए हमने उस औरत से इस बच्ची को खरीदा ताकि हम इसे अच्छी लाइफ दे सकें। वो औरत कहाँ मिली आपको? जी, गोमती नगर IVF सेंटर से। हम बच्चे के लिए अक्सर IVF सेंटर जाया करते थे, तो वहीं वो औरत मिली हमें। वो औरत शक्ल से बिल्कुल गरीब और जरूरतमंद लग रही थी, और हमें बच्ची पे तरस आ गया। देखिए, आपकी इंटेंशन सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो कुछ भी किया वो जस्टिफाई हो जाता है। जो गलत है वो गलत है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने इतना नहीं सोचा कि जिस औरत से आप ये बच्चा खरीद रहे हैं, हो सकता है वो बच्चा इस औरत का हो ही ना, कहीं से चुराया हुआ हो। क्या? जी हाँ, ये बच्चा चुराया हुआ हो सकता है, ये सोचा आपने एक भी बार? हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके बच्चे को आप तक सही सलामत पहुंचाएंगे। जाइए, आपका बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। सच कहें तो हमें यकीन नहीं होता कि कोई औरत एक औरत होकर सिर्फ कुछ पैसों के लिए एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर सकती है। एक माँ को जिंदगी भर का दर्द दे कैसे सकती है? संतोष, इनकी मदद से उस औरत का स्केच बनाइए। सॉरी मैडम सर, पर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं स्केच आर्टिस्ट को बुला लूं? जी प्लीज, मैं अभी फोन करती हूँ। क्या हुआ? ये मेरा मिट्ठू नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए तो कितना प्यारा बच्चा है, ये आप ही का मिट्ठू है। मैं माँ हूँ, अपने बच्चे को पहचान सकती हूँ। ये मेरा मिट्ठू नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरा, आराम से प्लीज बैठ जाइए। मेरा मिट्ठू। आपकी वाइफ ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे खोने के सदमे से कोई मानसिक आघात या फिर भावनात्मक समस्या? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। शिखा मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। और शिखा तो क्या, मैं भी पूरे दावे से कह सकता हूँ कि ये हमारा बच्चा नहीं है, ये हमारा मिट्ठू नहीं है। Are you sure ये आपका बच्चा नहीं है? मैं कह रही हूँ ना, ये मेरा बच्चा नहीं है, नहीं है। अगर ये शिखा का बच्चा नहीं है, इसका मतलब किसी और का बच्चा है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ से अलग हुए हैं। हमें नहीं लगता कि ये केस अब सिर्फ एक बच्चे का रह गया है। पूरा का पूरा एक रैकेट है जिसका काम ही है छोटे छोटे बच्चों को चोरी करना और फिर इनके जैसे कपल्स को बेचकर इनके पैसे ऐंठ लेना। पुष्पा जी। जी मैडम। चाइल्ड सर्विसेज में कॉन्टैक्ट कीजिए, कहिए इस बच्चे का ध्यान रखें। जी। करिश्मा सिंह। जी। शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में कॉन्टैक्ट करिए, पता लगाइए कि किसी बच्चे के गुमशुदा होने का किसी ने कोई रिपोर्ट लिखवाई है, और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में पता लगाइए कि रिसेंटली क्या कोई बच्चा चोरी हुआ है, और अगर ऐसा है तो पेरेंट्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर सबकी डिटेल हमें चाहिए। क्लियर? क्लियर जी मैडम सर। टीम महिला पुलिस थाना, धरती खोदिए, आसमान फाड़िए, जो करना है करिए, लेकिन अगले 5 घंटों के अंदर हमें औरत इस थाने में चाहिए। आज के बाद इस शहर में एक भी बच्चा चोरी नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर। लेकिन उससे पहले हमें साथ में कहीं और पहुंचना है। साथ में कहां? जय हिंद सर। जय हिंद।
तो हमने आप दोनों को एक दूसरे के बारे में 3 बुरी बातें लिख कर देने के लिए कहा था। चलिए उच्च स्वर में पढ़कर सुनाइए कि आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या लिखा है। आपसे प्रारंभ करते हैं हसीना मलिक। माफ कीजिए सर, लेकिन हमें ऐसी भी कोई बात नहीं लगी जो लिखी जा सके, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है। और करिश्मा जी, आप? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। जी, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इनके बारे में जो बुराई की श्रेणी में आता हो, इसलिए आपको कोरा कागज दिए। तो आप दोनों के कहने का तात्पर्य यह है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको इनके और आपको इनके बारे में जो पसंद नहीं आती है, अर्थात आप दोनों में ऐसी कोई बुराई है ही नहीं जिसका उल्लेखन किया जाए। Am I right? जी सर, हमें ऐसा ही लगता है। बुराइयां और कमियां हम सब में होती हैं। ये कमियां हमारा व्यक्तित्व होती हैं जो हमें लगातार और बेहतर बनने का प्रोत्साहन देती हैं। इसलिए इन बुराइयों को वर्ग में रखना उचित नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से। वाह, क्या बात है हसीना जी, हमारा असर आप पर दिखाई देने लगा है। क्या धारा प्रवाह हिंदी बोली है आपने, बढ़िया, बधाई हो। और आप करिश्मा जी? हम का क्या विचार है आपके इस विषय पर? जो मैडम सर ने कहा उससे हम 100% सहमत हैं। सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। हमारा दृष्टिकोण तो एक ही है, भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हमारे तरीके अलग अलग हैं। और जब से हम दोनों को ये बात समझ में आई है, तब से हम दोनों एक दूसरे के विचारों को काफी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हमें नहीं लगता है कि हमारे बीच में कोई मतभेद है। अब आप चाहे तो ये बात विभाग तक पहुंचा सकते हैं, और हाँ, ये काउंसलिंग भी आप यहीं खत्म कर सकते हैं। क्यों मैडम सर? जी, हमें भी यही लगता है कि परामर्श की अब कोई आवश्यकता नहीं है, और ये विवरण आप विभाग में भेज सकते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल है। सुखद सूचना है ये जानकर हमें अधिक प्रसन्नता हो रही है कि आप दोनों के बीच अभी कोई मतभेद नहीं है। यही तो सब चाहते थे, इसलिए तो हम यहाँ आए थे। अब हमारा काम हो गया है, बधाई हो। इसी खुशी में आप दोनों चाय पीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। क्या बात है करिश्मा सिंह, आई थिंक हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया। जी, इस बात पे चाय पीजिए। नहीं नहीं, चाय आप पीजिए। पी लीजिए, वरना आपके भैया आकर कोई और काम ना बता दें। एक ही कप है इसलिए हम कह रहे हैं आप पीजिए। इसलिए तो कह रहे हैं एक ही कप है, आप पी लीजिए। नहीं नहीं, आप हमारी सीनियर हैं, आपका पीना बनता है, हम बाद में पी लेंगे, आप पीजिए। एक सेकंड, इसमें सीनियर और जूनियर की बात कहाँ से आ गई? चाय चाय होती है, फर्क क्या पड़ता है, आप पी लीजिए। नहीं, हम आपका इज्जत करते हैं, हम नहीं पी सकते, आप पीजिए। अब इज्जत और बेइज्जती इसमें कहाँ से आ गई? ठीक है, हम सीनियर के नाते आपको ये ऑर्डर देते हैं करिश्मा सिंह कि आप चाय पीजिए। अब आप ऑर्डर के नाम पर अपना आइडियोलॉजी हम पर थोपेंगी तो फिर कौन ऑर्डर मानेगा मैडम सर? अच्छा, वरना तो आप हमारे सारे ऑर्डर्स तुरंत मान जाती हैं। हमने ऑर्डर दिया नहीं कि आपने तुरंत फॉलो कर दिया, नहीं? यही तो प्रॉब्लम है आपकी मैडम सर, ना आप हमें कभी समझी है ना समझेंगी। आपको कब से बोल रहे हैं आप चाय पी लीजिए, आपका इज्जत करते हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं। इसमें भी आपको प्रोटोकॉल, आपको ऑर्डर्स और आपको डिसरिस्पेक्ट नजर आ रहा है। पर वाह, अगर झूठ बोला ही है तो कुछ मिनट और टिके रहते उस पर, पीठ फेरते ही घमासान शुरू। हम अच्छी तरह से जानते थे कि आप दोनों झूठ बोल रही हैं, कोई तालमेल स्थापित नहीं हुआ है आप दोनों के बीच, आप दोनों वैसी ही हैं जैसे हमारे आने के पहले थी। क्योंकि अगर आप दोनों में रत्ती भर की मैत्री भाव की भावना होती तो ये चाय की समस्या इतनी विकट तो नहीं थी कि इसका हल इतना कठिन था। अभी तक तो आप दोनों समझ गई होंगी कि ये चाय हम यहां छोड़कर बाहर क्यों गए थे, आप दोनों की कथनी की सत्यता जांचने के लिए, जिसमें आप दोनों पूरे नंबरों से अनुतीर्ण यानी कि फेल हो चुकी हैं। तो इसमें ज्ञान की बात यह है कि उल्लू को अंधेरा और चमगादड़ को सवेरा दिखाना मूर्खता है। तो खैर, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए,
केस को सुलझाइए और उसके बाद हम देखते हैं कि आप दोनों के साथ क्या किया जाना चाहिए। आने के लिए धन्यवाद, शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय हिंद। जय हिंद सर। यही तो हम कह रहे थे, कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप चाय पी लीजिए चाय पी लीजिए। आप पी लेते तो क्या हो जाता, आपकी वजह से ना सब चूरन हो गया है। हमारी वजह से? तो और किसकी वजह से? अगर आप पी लेती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, ये काम आप भी तो कर सकती। जय हिंद। मतलब सुधार की किसी भी तरह की कोई आशा नहीं है। जब तक आप दोनों को अनुभव के अनुभव का ज्ञान नहीं हो जाता, आप दोनों के बीच सुधार कभी नहीं हो सकता। अब तक तो हम केवल ये विचार कर रहे थे कि आप दोनों के साथ क्या किया जाना चाहिए, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि आप दोनों के साथ क्या किया जाना चाहिए। अब देखो अनु भैया। सर। अनु सर। 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 चाची कह रही थी कि आप आज रात को अगर खाने पे आएंगे तो। हम व्यस्त हैं, हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं, रात्रि भोजन वहीं करेंगे। चाची को हमारा प्रणाम कहना। जी सर। जी। जय हिंद। एक मिनट, उस औरत का स्केच बन गया है। यही है वो औरत जो ले भागी है एक मासूम बच्चे को अस्पताल से। जी हाँ दर्शकों, अगर आपको ये औरत कहीं भी नजर आए तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। हे वाह सनी, तूने इतने जल्दी स्केच टेलीकास्ट करवा दिया। अरे आपके लिए कुछ भी संतो जी। देखो कुछ सीखो पुष्पा जी से, लगता है किसी के प्यार में पड़ी है। ओहो, फिर तो जिसके प्यार में पड़ी है वो बेचारा मुसीबत में पड़ गया होगा। पुष्पे। हाँ, हाँ। क्या हुआ? कैसा है? कौन है, कौन है? लेडी लग रही है। अब बताओ तू कौन है? देखा देखा सा लग रहा है। क्या देखा देखा सा लग रहा है? नहीं, ये देखो, देखो ये तिल, देखो ये तो आप लग रही है। वही तो जिसका ये स्केच है, सामने तो है। ऐसे मुंह क्या बिगड़ के बोल रही हो? नहीं मेरा मतलब है ये तो आप ही है ना, स्लिम लग रही है इसमें। कितने अरमान थे हमारे, एक दिन हमारा भी ऐसा स्केच बने और हमारा जो हॉल है ना वहां दीवार पे सजे। 3,000 रुपए लिए ना लायक ने। हाँ? मगर क्या स्केच बनवाया ना। वाह। अब देखना, घर जाते सबसे पहले करिश्मा जी का पुराना वाला स्केच हटाएंगे और हमारा नया वाला स्केच लगाएंगे। जलबुन के कबाब हो जाएगी वो। अरे पुष्पा जी सिर्फ हॉल में क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया को देखना चाहिए स्केच मेरे न्यूज चैनल के जरिए। हाँ हाँ, सिर्फ हम क्यों हंसे, लोगों को भी हंसने का मौका मिलना चाहिए ना। नहीं, पुष्पा जी हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि आप इस उम्र में इतनी खूबसूरत, इतनी मेंटेन कैसे रहती हैं। हाँ हाँ। पुष्पा जी माते स्केच में, स्केच में, रियल में, स्केच में। बिल्लू कर रहा हूँ, डीएसपी सर आ गए ना। सर हमारा स्केच खराब कर दिया। ओ सॉरी सॉरी, डीएसपी साहब नहीं आए हैं। संतोष जी हमारा सारा स्केच खराब कर दिया। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए। हाँ हाँ कहिए। क्या आपने उस औरत को देखा है? कहाँ देखा है आपने? आलमबाग में। आलमबाग, आलमबाग में सब्जी मंडी में रहती है। ठीक है। गली नंबर 17, 17 नंबर का मकान।
बहुत अच्छा काम किया आपने पुलिस की मदद करके, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद संतोष, बोलिए। मैडम सर एक खुशखबरी है, वो जो बच्चा चोर वाली लेडी है ना उनके बारे में पता चल गया। क्या? आलमबाग में रहती है, गली नंबर 17 और मकान नंबर भी 17। थैंक यू संतोष, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, उस औरत का पता लग गया है। आलमबाग गली नंबर 17 और मकान नंबर भी 17। चलिए। बहुत बढ़िया, छोड़ेंगे नहीं इसको। धीरे धीरे, इतनी जल्दी भी नहीं। नहीं मैडम सर, टीवी पर उसका फोटो फ्लैश हो रहा, हमारे हाथ से निकले उससे पहले हम उसको धरना है आज। करिश्मा सिंह, हम भी वही कह रहे हैं कि उस औरत का फोटो हर जगह फ्लैश हो रहा है, वो कहीं भी जाएगी तो पकड़ी जाएगी, तो फिर इतनी तेज चलाने का क्या मतलब है? प्लीज बी सेफ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.